ग्वालियर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे एक अस्पताल को सील कर दिया। अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे इस अस्पताल के पास न तो रजिस्ट्रेशन था और न ही ट्रेन स्टाफ। मामले में जानकारी देते हुए CHMO मृदुल सक्सेना ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बड़ोरापुर क्षेत्र स्थित समर्थ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई, जिनको देखते हुए अस्पताल संचालक भगवान सिंह कुशवा को नोटिस थमाते हुए समर्थ अस्पताल को सील कर दिया गया। अगर कोई भी ऐसे इलीगल हॉस्पिटल नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करे जाएंगे। जैसा कि अभी प्रशासन का भी ऐसा मंशा है और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कड़े कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए और किसी भी अवैधानिक रूप से चलाए जा रहे नर्सिंग होम या क्लिनिक पर किसी भी तरह का कोई भी ढील नहीं दी जाए। प्रशासन ने कितनी चिन्हित करी है, क्या कितनों की ऐसी चेकिंग करी है? हम लोग टीम इसकी बनी हुई है लगातार और जहाँ से भी सूचना आती है हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी गणेश हॉस्पिटल है, उसके ऊपर भी हमने उसकी OT को सील करते हुए उनका जवाब समाधानकारक नहीं होने के कारण उसको भी सील किया था।